जब से मैं पैदा हुई थी तब से ही थी मुश्किलात, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे लाइफ का डिप्रेशन और एंजाइटी का फेज जो शुरू हुआ था वो मेरे भाई की डेथ के बाद हुआ था। फाइनेंशियल क्राइसिस तो थे, साथ में इमोशनल क्राइसिस भी थे। हर चीज़ का ज़िम्मेदार मुझे ठहराया जाने लगा कि तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करते करते तुम्हारा भाई चला गया दुनिया से। मेरी पढ़ाई इतनी मुतासर हुई भाई की डेथ की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, कि मैं मेरे जहाँ सब में एज आते थे, एक वक्त ये आया कि मेरे पेपर रुकना शुरू हो गए, मैं फेल भी हुई हूँ। तो मैं देखती थी लोगों की स्टोरीज सुनती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने ऐसे सर्वाइव किया तो मैं क्यों नहीं, मेरा तो दुख कुछ भी नहीं है इनके आगे। तो इस तरह से ये हुआ कि ना मैंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा बिजी भी रखना शुरू किया, और मैं ऐसी वीडियोस को देखती थी, मोटिवेट होती थी, जैसे कि आपकी जो तस्कीन के फेसबुक के पेज पे डिप्रेशन के बारे में बात की गई है, लोगों ने अपने आप के बारे में बात की गई है, हम ऐसे थे फिर बाद में हम ऐसे हुए, बुराई थी फिर अच्छाई की तरफ आए हैं। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करी। इवन के हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हम उनको इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, अपनी लाइफ में कितना अच्छा है इन्होंने सब कुछ हासिल किया है। तो अब जब उनके बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने भी ऐसे ही हासिल नहीं किया, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी रही है। तो जब मैं यहाँ टैफ में आई हूँ तो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमने समझी। मेरी इस तरह से चेंज हुई है कि अब मैं लोगों से बात करती हूँ। पहले तो ये था ना कि किसी की बात अच्छी लगी तो बोल दिया, बुरी लगी साइड पे हो गए, उस बात को एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे ये बात बुरी लगी। तो वो मेरे लिए बहुत, मैं समझती हूँ मेरे लिए ये अचीवमेंट है। जॉब मिलेगी वो मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन जो मैंने अपने आप को जी पर्सनल ग्रोथ हुई है, और जो मैंने अपने आप को जो समझती थी वो मैं हरगिज़ नहीं हूँ। ये हम सब आबे हयात पी के तो आया नहीं है, एक दिन तो मर ही जाना है, तो जी के मरो, अपने आप को एक्सप्रेस करके मरो। मैं ये कहना चाहूँगी बात करें जिनसे भी आपके इख्तिलाफात हैं, या जो लोग आप जिनसे आप चाहे वो बुराई है आपके दिल में या अच्छाई है, तो उनको बताओ कि मैं आपकी ये चीज़ पसंद करती हूँ तो क्यों करती हूँ, और मुझे ये चीज़ आपकी बुरी लगी तो उसकी वजह ये थी। जब तक हम बात नहीं करते ना तो हमें अपने मसाइल का हल नहीं मिलेगा। वो जो पर्सनल हीलिंग होती है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होती है।